I'm doing, never give up, never slow, enemy. Till I find approval, never listen to the noise, I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up, that's a fact, never looking back, I'm keeping myself in check, my head enemy stays down. On, always moving on, enemy down. I'm just to move along, push myself to be the best, every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams. When you hit your teens, I think really what is. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है कौन गेम प्ले में। और आज के सफल मैच में तो रखे रहा सोलो वर्सेस स्क्वाड, और यहाँ पर आज भी मैं थर्ड में जा रहा हूँ क्योंकि भाई जो फ्लाइट रूट था वो कुछ ऐसे ही था। अब बात कर लेते हैं, पबजी तो बैन हो चुकी है, मतलब प्ले स्टोर से भी हट चुका है, लेकिन भाई सबके फोन में चल रही और सब खेल पा रहे पबजी को। अब देखो यार, ये तो भाई जब तक गेम चल रहा है तब तक गेम प्लेस आ रहे, और अगर बैन हो गया, मतलब अगर चलना बंद हो गया आपके फोन में या फिर मेरे फोन में, तो भाई गेम प्लेस आने बंद हो जाएंगे, और मतलब पबजी के। और बाकी देखेंगे कि भाई आगे क्या खेलना है, वो तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। मतलब जो आप लोग खेलेंगे वो भाई मैं भी खेलूंगा, मतलब जो ज़्यादा लोग खेलेंगे मतलब वही तो देखना पसंद करेंगे ना लोग। तो भाई आप कमेंट में बताना कि भाई आप फ्री फायर खेलना चाहते हो कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी। और फ्री फायर तो मतलब देखो वो तो कम ही लोग बोल रहे हैं मुझे खेलने के लिए, लेकिन मैं कॉल ऑफ ड्यूटी भाई कुछ ज़्यादा ही लोग बोल रहे हैं। क्योंकि यार तुम्हें पता है यार फ्री फायर कैसी गेम है, मतलब वो लो एंड डिवाइस के लिए बनी, और कॉल ऑफ ड्यूटी मतलब थोड़ी सी भारी गेम है, मतलब जैसे पबजी मोबाइल थी और फ्री फायर मान लो यार जैसे पबजी लाइट थी। तो यार ट्राई करेंगे, देखेंगे, अगर मतलब ज़्यादातर लोग फ्री फायर खेलेंगे तो वो भी ट्राई करेंगे, और अगर मतलब ज़्यादातर लोग कॉल ऑफ ड्यूटी बोलते हैं तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी के भी गेम प्लस आएंगे। मतलब देखते यार आगे क्या होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। अगर पबजी बैन नहीं हो तो भाई अपना पबजी लाइट जिंदाबाद ही, तो भाई पबजी लाइट के गेम प्लस आएंगे। तो भाई देखते आगे क्या होता है इन फ्यूचर में। बात कर लेते यार इस वाले मैच की, तो यहाँ पर मैं थर्ड में आ जाता, और यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे बंदे होते हैं, मतलब बहुत सारे तो नहीं, एक स्क्वाड जरूर होती है। अब यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है जो कि भाई सामने वाले छत पर आता है, तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टन ग्रेनेड होता है जो कि मैं कर देता हूँ, और बस देखो कैसे निपटाते इस वाले बंदे को। और यहाँ पर भाई अकेला बंदा नहीं होता, यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड होती है जो कि भाई मेरे पीछे पड़ चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ, उसके बाद बच के यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक फर्स्ट एड माननी थी, और उसके बाद देखते भाई इसके बाकी के बंदों को। तो बस जो कैसे निपटाते इस वाले स्क्वाड को। अब यहाँ पर मैंने इस वाली स्क्वाड के तीन बंदों को तो नॉक कर देते, लेकिन भाई बारी थी अभी चौथे बंदे की जो कि भाई सामने वाले छत पर था, और भाई ना तो खड़ा हो रहा ना ही कुछ कर रहा। देखो आपको उसका हेड दिख गया होगा जो कि भाई हेलमेट की स्किन चमक रही है उसकी। तो यहाँ पर मैं बस वेट कर रहा था और उसे वेट करने की ट्राई कर रहा था कि भाई जैसे मैं इसके बंदों को फिनिश करूंगा वो कूदेगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। तो बस देखो कैसे निपटाएंगे इस वाले बंदे को। और जैसे ही मैं इसके दो बंदों को फिनिश करता हूँ भाई वो बंदा गुस्से में आता है और खड़ा हो जाता है मेरे को मारने के लिए, और जैसे ही बंदा खड़ा होता है भाई मैं निपटा देता हूँ, हालांकि मैं भी मरते मरते बचा लेकिन भाई मार दिया उस वाले बंदे को। और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी खत्म हो जाती है, और शायद थर्डल में एक ही स्क्वाड आती है जो कि भाई मारी जाती है यहाँ पर। अब देखो यार यहाँ पर मैं सारी लूट कर लेता हूँ, मतलब M4 AKM मेरे को मिल जाती है, तो उसके बाद मैं सारी लूट करने के बाद निकल लेता हूँ ऐसे बंदों की तलाश में। और ये वाला मैच मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने बंदों को निपटा दिया था, लेकिन लास्ट में एक गलती, मतलब 100% ना दे पाना गेम में, मतलब ये तो सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो पा रहा। मतलब यार सब आ रहे हैं, मतलब ये हर बार यही सोचने लग जा रहे कि भाई बैन हो जाएगा, अब बैन हो जाएगा, तो उसी के कारण भाई 100% जा ही नहीं रहा गेम में, और भाई मतलब बहुत गंदी तरीके से मर रहे हैं। अब यहाँ पर इस वाले मैच में तुम्हें कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा, मैं कैसे मरा वो तो भाई बस देखना। अब देखो यार यहाँ पर मैं सारी लूट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकल लेता हूँ गाड़ी की तलाश में, और उसके बाद मैं बंदों को ढूंढने लग जाता हूँ, और भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से मारा इस वाले मैच में बंदों को, तो बस देखना। अब देखो यार यहाँ पर मेरी सारी लूट कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैं सीधा गाड़ी उठाने के लिए आ जाता हूँ, और फाइनली मेरे को यहाँ पर गाड़ी मिल जाती है। और भाई मेरे को ज़्यादातर यहाँ पर गाड़ी नहीं मिलती क्योंकि भाई बंदे यहाँ से पता नहीं कहीं उठा के चले आते हैं। अब देखो यार यहाँ से मैं गाड़ी पकड़ के सीधा मतलब चला आता हूँ ड्रॉप के पास, क्योंकि भाई दो ड्रॉप गिरे थे थर्डल के जस्ट आगे, तो वहाँ पर चांसेस थे कि भाई बंदे मिलेंगे, और यहाँ पर भाई कुछ ज़्यादा बंदे मिल जाते हैं, तो बस देखना तबाही कैसे मजा आते हैं यहाँ पर।
और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म था। मतलब देख सकते थे यार, दो दो स्क्वाड्स की फाइट चल रही थी और तुम्हारे भाई ने क्या ही थर्ड पार्टी करा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं सारे लूट कर लेता हूँ, मतलब मेरे पास लूट की काफी ज्यादा कमी थी और भाई बैग में पता नहीं क्या ही भरा हुआ था मेरा, मतलब बैग फुल हो चुका था और पता नहीं मैंने क्या ही उठा रखा था। अब देखो यार, यहाँ पर मेरे को एक्सटेंडेड चाहिए थे जो कि मैं लूट रहा था, मतलब ढूंढ रहा था। और उसके बाद यहाँ पर एक और गाड़ी आई थी और उस गाड़ी में भाई फुल स्क्वाड होती है जो कि भाई सामने आपको ड्रॉप दिख गया होगा, उसी ड्रॉप को लूट। और क्योंकि मैं बिल्कुल ओपन में था तो भाई मेरे को एक कवर की तलाश भी थी और भाई यहाँ पर सारी गाड़ियाँ फूट चुकी थी तो भाई मैं किसी गाड़ी को उठाकर भाग भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं बस कैसे निपटाएंगे इन सभी बंदों को, मतलब सामने वाले स्क्वाड्स को। अब यहाँ पर मेरे को जैसे एक्सटेंडेड मिला भाई, मेरे को मतलब साउंड आता है गाड़ी का, अब यहाँ पर सामने दो बंदों को नॉक करने के बाद मैं सीधा क्लोजिंग कर रहा था धीरे धीरे। और यहाँ पर मेरे पास चार ग्रेनेड्स है जो कि मैं करता भी हूँ, और भाई लाइक कर दो यार इन सभी ग्रेनेड्स के लिए। बस देखो यहाँ पर क्या होता है, और इस वाले स्क्वाड को निपटाने में मेरी सबसे ज्यादा मदद मेरे नेड्स ने की। तो भाई उन सभी नेड्स के लिए भाई एक लाइक तो जरूर कर देना, बस एक टैप ही करना है, क्या पता भाई ये लास्ट टाइम देखने को मिल रहे हो आपको ऐसे नेड्स, तो भाई मतलब लाइक कर देना। आप देखो यार एक टैप ही तो करना है तो कर दो लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब कर लेना सब्सक्राइब, कुछ नहीं जा रहा। अब देखो यार उसका तो मैं सारे लूट कर लेता हूँ, मतलब ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं था मेरे को, लेकिन फिर भी मैं लूट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने नेड्स काफी ज्यादा बर्बाद कर दिए थे। और तभी यहाँ पर ये वाला बॉट आ जाता है। अब यहाँ पर देखो मैं जैसे गाड़ी उठा के निकल रहा था, यहाँ पर एक और स्क्वाड आ जाती है जो कि मुझे फायर करके बुला लेते हैं। अब यहाँ पर पहले तो मुझे केवल एक ही बंदा दिखता है, लेकिन भाई लास्ट में यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड निकलती है, और बस देखना कैसे निपटाएंगे इन सभी को। अब देखो यहाँ पर ये जितने बंदे दिखे मैंने सबको निपटा दिए, लेकिन भाई इस वाली स्क्वाड का एक बंदा बचा हुआ है जो कि भाई मेरी मौत का कारण बनता है। अब यहाँ पर देखो ये जितने बंदे मुझे दिखे सबको निपटा दिया, और मेरी गाड़ी यहाँ पर सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी थी, मतलब देख सकते हो यार धुआं निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं पीछे आता हूँ, सबसे पहले एक अच्छी गाड़ी जो फ्रेश गाड़ी है वो उठाता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर मेरे गेम में एक कमी रह जाती है क्योंकि भाई यहाँ पर देखो दिमाग में यही चल रहा था कि भाई कब बैन होगी कब बैन होगी, और मतलब मेरा 100% गेम में था ही नहीं, मतलब देखो यार 50% गेम में था और भाई 50% माइंड तो भाई पता नहीं कहाँ ही था। तो यहाँ पर मैं खेल भी रहा था और शायद से नहीं भी खेल रहा था, तो बस देखना कैसे मरता हूँ यहाँ पर मैं, और भाई बहुत गंदे तरीके से मरा। तो भाई ये देखने के बाद भाई कमेंट वमेंट में स्पैम स्पैम मत कर देना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो यार यहाँ पर पहली बार तो मैं इस बंदे को स्पॉट नहीं कर पाया, और मैंने अपनी गाड़ी पीछे की तरफ घुमा ली, और जब मैंने इस बंदे को स्पॉट किया तो भाई मैं वापस से आया, और जब तक मेरी एचपी काफ़ी ज़्यादा लो कर दी थी इस बंदे ने, मतलब 55 या 60 बची हुई थी, लेकिन भाई वो एक फेयर फाइट के लिए काफ़ी नहीं होती, और वैसे भी भाई ध्यान पता नहीं कहीं है तो भाई क्या ही बोला जाए। तो गाइस यही थी कि गेम प्ले में कैसा लगा, गेम प्ले कमेंट करके जरूर बताना। गेम प्ले अगर थोड़ी सी बिल्ड लगे तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक जो कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर सीते भाई मेरे गेम प्ले वीडियो मिल जाए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप मेरी तरफ से अपडेटेड रहो और जो भी न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँ। तो गाइस यही थी आज की गेम प्ले वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।